कोरोना के तीसरे लहर के कारण बंदिशें फिर बढ़ने लगी हैं। राज्य की सरकार ने 15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फरमान जारी कर दिया है। इस कारण पढ़ाई फिर से ऑनलाइन के भरोसे हो गई है, मगर हकीकत से यह भरोसा काफ़ी दूर है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, ज़रा ये भी जान लीजिए। कोरोना काल में अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में लोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ कहाँ से लाएंगे, और यह सभी सुविधाएँ ऑनलाइन शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसलिए लॉकडाउन में कई गरीब छात्रों तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाई थी। जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है, उनके बच्चों की तस्वीर तो यही है कि स्कूल खुले तो पढ़ाई शुरू और स्कूल बंद तो पढ़ाई बंद। मरबा के अधिकांश स्कूल के विद्यार्थियों का यही हाल है। कोविड के चलते पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का दरवाजा बंद हो गया है। मनपा के 80% विद्यार्थियों की माली हालत एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने की नहीं है, सिर्फ 20% विद्यार्थियों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। इस कारण शिक्षकों में पढ़ने की रुचि नहीं है। शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई मनपा के शिक्षा विभाग का महज दिखावा है, असलियत कुछ अलग है। अंगुलियों पर गिनने लायक ही शिक्षक है जो ईमानदारी से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अधिकांश शिक्षकों की ऑनलाइन पढ़ाई कागजों पर है, यानी 80% विद्यार्थियों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं। 20% के पास सुविधा रहने पर भी शिक्षकों में रुचि नहीं रहने के कारण शिक्षा से विद्यार्थी वंचित है। शहर में मनपा के 131 स्कूल हैं, जिसमें से 29 हाई स्कूल और 102 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। मनपा स्कूल की सभी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 15,000 है। उसमें 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 35,000 के आसपास है। पहली से आठवीं कक्षा के 11,500 विद्यार्थी हैं जो स्कूल बंद होने से घर में ही हैं। गत वर्ष मनपा ने सर्वेक्षण किया था, उसमें मनपा स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के घरों में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहने का खुलासा हुआ था। इस सर्वेक्षण के बाद मनपा ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ई टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। 1.5 साल से स्कूल बंद रहने पर 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को मनपा ई टैब दिए गए। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वे विद्यार्थी ई टैब का उपयोग कर रहे हैं। अन्य कक्षा के विद्यार्थियों के पास यह सुविधा नहीं रहने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित है। एक आकलन के अनुसार देश के तमाम स्कूलों में करीब 98 लाख के आसपास शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें से 49 लाख से कुछ अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में, करीब 9 लाख सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, 36 लाख निजी स्कूलों में और शेष अन्य स्कूलों में कार्यरत है। देश के कुल स्कूलों में से 22.38% स्कूल निजी गैर सहायता प्राप्त है, तो 68.48% स्कूल सरकारी है। 37.18% अध्यापक निजी स्कूलों में तैनात है, लेकिन सरकारी स्कूलों में आधी संख्या में शिक्षक नियुक्त है। 50% पद खाली है। देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 5.5% है और वहाँ करीब 8.5% शिक्षक है, जबकि अन्य स्कूलों में 3.36% शिक्षकों की तैनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात 30.1 रखने का जिक्र किया गया है, यानी हर 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक। रिपोर्ट से यह बात पर अभी पता चला है कि कुल स्कूलों में से 30% स्कूलों में ही कम से कम एक टीचर को ही कंप्यूटर चलाना और क्लास में उसका इस्तेमाल करना आता है। ध्यान रहे कि कोविड-19 के संकट में ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर है, और बेशक कई घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन आदि का अभाव है, लेकिन यह भी सच्चाई है, बहुत से स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं और बहुत से स्कूली शिक्षक कंप्यूटर नहीं जानते हैं। यह भी सही है कि किसी एक चीज़ की कमी या किल्लत की आड़ में ऑनलाइन सीखने सिखाने की जद्दोजहद के कन्नी काटने की प्रवृत्तियां भी दिखती है। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान एक लंबे समय तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। कोरोना काल में प्रयोग के तौर पर शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ा है और ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। ऑनलाइन शिक्षा की नई राह खुली, प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स और कोचिंग में ऑनलाइन व्यवस्था चलने लगी, लेकिन ग्रामीण परिवेश में नेटवर्क न होना बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। इन तमाम मुद्दों के साथ ये भी उतना ही सही है कि निजी स्कूलों के पास बेहतर सुविधाएं, उपकरण और संसाधनों के अलावा अनुभवी और प्रशिक्षित टीचर है। वहीं सरकारी स्कूलों में हालात 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी नहीं सुधर पाए हैं और वे बुनियादी संसाधनों से लेकर शिक्षकों की कमी तक समस्याओं के बोझ तले दबे हुए हैं। समस्या छात्र शिक्षक अनुपात की तो है ही,
पद खाली पड़े हुए हैं और टीचर या तो है नहीं और अगर है भी तो जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं है। इसके अलावा पाठ्यक्रमों की विसंगति भी विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई है। स्कूल में अध्यापक छात्रों पर हर वक्त नजर रखते हैं, किंतु ऑनलाइन क्लास में अध्यापक छात्रों पर सही से नजर नहीं रख पाते, इसलिए कई बार छात्र ऑनलाइन क्लास के समय कुछ और कार्य कर रहे होते हैं। इससे भी ऑनलाइन शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता। ऑनलाइन शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क कभी नहीं हो सकता, जबकि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी कई प्रतियोगिता कराई जाती हैं। नृत्य, संगीत, योगा, खेलकूद, भाषण लेखन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि में बच्चे भाग लेकर नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में छात्रों केवल स्कूल का कोर्स ही खत्म कराया जाता है। इसलिए शिक्षक भी छात्रों पर सिर्फ अपना कोर्स खत्म करने पर ध्यान देते हैं। इस तरह ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान दोनों हैं, परंतु इसका उपयोग करने वाले पर यह निर्भर करता है कि ऑनलाइन शिक्षा से फायदा लेना है या नुकसान। हाल ही में किए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कोविड-19 महामारी की वजह से प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं तक के बच्चों के 85% से ज्यादा पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। महानगरों, शहरों और कस्बों में करीब 5000 पेरेंट्स के साथ किए गए इस नेशनल सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें 70% पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा पर कोविड के प्रभाव को लेकर काफी चिंतित हैं। इसमें 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आए। सर्वे में शामिल हुए पेरेंट्स में 78% से ज्यादा अपने बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में चिंतित है और करीब 40% पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई में पीछे रह जाने और उनका पढ़ाई का एक साल बर्बाद होने को लेकर परेशान है। सर्वे से पता चला है कि करीब 70% पेरेंट्स सोचते हैं कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन का सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि माता और पिता दोनों ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर पॉजिटिव नजर आए। इतना ही नहीं, 60% से ज्यादा पेरेंट्स मानते हैं कि ऑनलाइन स्कूल शिक्षा का प्रभावकारी तरीका है और स्कूलों क्लासों में दी जाने वाली एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी जारी रखा जाना चाहिए। निसंदेह किताबों की जगह पीडीएफ डॉक्यूमेंट से पढ़ाई हो रही है, ब्लैक बोर्ड की जगह ऑनलाइन वीडियो से शिक्षक पाठ समझा रहे हैं और होमवर्क व्हाट्सएप पर साझा किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच पढ़ने पढ़ाने का तरीका पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। पहले जहां स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही थी, वही अब होमवर्क भी ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों की परेशानी कुछ हल हुई है तो कुछ बढ़ भी गई है। पॉजिटिव परिणाम यह है कि बच्चों का साल बर्बाद होने से बचाए, बच्चे इंटरनेट फ्रेंडली हुए हैं। लॉकडाउन के बीच भी पढ़ाई लगातार जारी रही, पढ़ाई का वैकल्पिक उपाय भी मिला, मगर खामियां भी हैं। जिनके घरों में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक समय पर बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएँ कैसे दिलाएं, ये परेशानी बनी हुई है। वहीं लगातार लैपटॉप, फ़ोन स्क्रीन और कंप्यूटर पर बैठे रहने से बच्चों को ड्राई आई, आँखों में दर्द जैसे परेशानी की भी बीमारी हो रही है। बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बार बार परेशानी आती है, तो अभिभावकों को कड़ी निगरानी करनी पड़ रही है। निजी और सरकारी का अंतर भी विडंबना के रूप में उभर कर सामने आया है। निजी स्कूलों में हर कक्षा के विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर स्कूल द्वारा मुहैया करवाया गया है। उस पर रोजाना स्कूल की शिक्षिका बच्चों से बात करती है और नए विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। हर विषय की 45 से 50 मिनट की कक्षा होती है। अगर विषय में कोई दिक्कत आती है तो बच्चे अगले दिन या फिर मेल के जरिए सवाल भेजते हैं, शिक्षिका उनका जवाब भी देती है। रोजाना शिक्षिका से बात होती है। ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निजी स्कूलों के उलट ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षिका उनकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के स्मार्ट मोबाइल पर विषय से संबंधित लिंक और वीडियो भेजती है। विद्यार्थियों को खुद पढ़ने के लिए कहा जाता है। कहा जा सकता है कि ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर निजी स्कूल व अभिभावक इसके फायदे व नुकसान को लेकर बटे हुए हैं। स्कूल व शिक्षक जहाँ ऑनलाइन क्लासेस के फायदे गिनाते हैं, वह अभिभावक इससे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कुछ अभिभावक तो ऑनलाइन क्लास को सिर्फ फीस लिए जाने का जरिया मानते हैं। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अभिभावकों को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। अभिभावकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके बच्चों की प्रगति ही उनके ही सामने हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चे नई तकनीक व शिक्षा की नई प्रणाली से वाकिफ हो रहे हैं। स्कूल स्तर पर बच्चों की यह कक्षाएं उनके भविष्य में भी वर्क फ्रॉम होम को लेकर तैयारी कर रही है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी बच्चे घर बैठे ही पूरा कर रहे हैं।
विश्व के कई देशों में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही आम बात है, जिसे भारत अब धीरे धीरे अपना रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं भविष्य की पढ़ाई का एक नमूना है, जिसे बच्चे व अभिभावक जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना बेहतर है। ये भी ठीक है कि अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के प्रति यदि सकारात्मक रवैया रहेगा तो उनके बच्चे काफी हद तक पढ़ाई के साथ छोटी उम्र में भी तकनीकी से वाकिफ हो सकेंगे। मगर रिपोर्ट बताती है कि ऑनलाइन पढ़ाई कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए तो ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये पढ़ाई बिल्कुल नया स्वरूप है। बड़े बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को काफी गंभीरता से लेते हैं। इसके उलट छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई खेल ही साबित होती है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सबसे जरूरी संसाधन होते हैं जो हर किसी अभिभावक के पास नहीं है। यही जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस से पहले शिक्षकों एवं बच्चों दोनों का ही प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने वाले एवं पढ़ने वाले बच्चों के लिए सकारात्मक साबित होगी। बहरहाल मंथन अभी भी जारी है, लेकिन इससे जारी रखने की भी उतनी ही मजबूरी है, क्योंकि कोरोना से बच्चों को बचाना जरूरी है। सतर्क रहें, खुद बचे और बच्चों को भी बचाए। जिंदगी खुद अपने जीने का तरीका खोज लेगी। मुद्दा सामने है तो हल भी निकलेगा। फिर मिलेंगे हम एक और गंभीर मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।